काश ये बात मुझे पहले पता होती तो शायद मैं अपनी लाइफ में अपनी गलतियों को सुधार लेता। काश ये बात मुझे पहले पता होती तो शायद मैं अपनी लाइफ को और बेटर कर लेता। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनाल कैदुवंशी और आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ अपनी कुछ ऐसी सात बातों की जो मुझे लगता है कि मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखी हैं और मुझे पहले पता होती तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर अभी ही पता चली हैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे ये बातें पता चली हैं और इसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात जो मुझे लगता है शायद मुझे पहले पता होती तो मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाती, वो है स्टे अमंग अचीवर्स। अक्सर हम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं या रहना पसंद करते हैं जो कि हमें अच्छे लगते हैं या जिनको हम अच्छे लगते हैं या जिनके साथ हमें कंफर्टेबल लेवल पर होते हैं, और जैसा उनका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, जैसा उनका एटीट्यूड होता है, हम में भी वही झलकना लगता है। लेकिन अगर हम कोशिश करके, खुद से एफर्ट करके अचीवर्स के साथ रहना शुरू कर दें, जी हाँ, इफ़ वी स्टार्ट स्टेइंग अमंग अचीवर्स, जो लोग सक्सेसफुल हैं, क्यों? बिकॉज अगर वो सक्सेसफुल है तो यानी कि उनकी हैबिट्स जो है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज सक्सेस ऐसे नहीं आती। दैट मीन्स दे वर्क ऑन देयर हैबिट्स, दे वर्क ऑन देयर माइंडसेट, दे वर्क ऑन देयर डेली रूटीन। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे तो उनका असर भी आपके ऊपर आएगा, यानी कि अगर आप अचीवर्स के साथ रहेंगे तो आप भी अचीवर्स हो जाएंगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर हम अचीवर्स के साथ रहते हैं तो अगर अचीवर्स अपना 100% यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप भी 50-60% प्लस होने लग जाएंगे ग्रेजुअली, और आप भी एक दिन उनके लेवल पर पहुंचने लग जाएंगे। सो पहली बात जो मुझे लगता है पहले पता चलती लेकिन अब पता चली है, मैं इसको अप्लाई करती हूँ, स्टे अमंग अचीवर्स। दूसरी बात, इनिशिएट कॉन्वर्जेशन। अक्सर जब हम किसी एक नए ग्रुप में जाते हैं हम लोग बात नहीं करते, हम सोचते हैं कि क्या बात करें, सामने वाले को कैसा लगेगा, कैसा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें हम एक अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं टू मेक कॉन्टैक्ट्स, टू मेक आर नेटवर्क। बिकॉज अगर हम कॉन्वर्जेशन इनिशिएट नहीं करेंगे, कोई आकर के आपसे हो सकता है कोशिश करे आपसे बात करके, लेकिन अगर वो ना करे तो आपके पास से एक अपॉर्चुनिटी चले जाएगी कॉन्टैक्ट बनाने की, नेटवर्क बनाने की। याद रखिएगा, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आप जहाँ भी, जिस भी ग्रुप में जाएँ, Try to initiate conversation, try to talk to people, try to get to know about them, try to make friends, try to exchange numbers, try कि वो आपके contact list में आ जाएं, ताकि कल को अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़े या आपको उनसे advice लेनी हो, help लेनी हो, या किसी भी तरीके का support चाहिए हो, या उनसे ही कुछ सीखना हो, तो आप कर पाएं। So whenever you go to a gathering, try to initiate conversation. तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी है वो है नेवर से नेवर। अक्सर हम अपने यूथ में या बचपने में बोल देते हैं कि ये काम मैं कभी नहीं करूँगा, दिस इज़ नेवर गोइंग टू हैपन, ये नहीं होने वाला। नेवर कहने से आप उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज देर इज़ नथिंग लाइक नेवर, देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। सो हमेशा कुशन रखिए, पॉसिबिलिटी रखिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप शायद ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी रखिए, आप लाइफ में चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। हमेशा ये मत सोच के रखिए नहीं ये तो मुझसे कभी नहीं होने वाला, ये तो मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं है। नेवर से नेवर, बिकॉज व्हेन यू कीप अ पॉसिबिलिटी ओपन देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दैट थिंग मे हैपन फॉर यू। चौथी चीज़ जो मैंने सीखी है वो है वर्क ऑन योर टाइम। हमें लगता है हमारे पास टाइम सबसे ज़्यादा फालतू की चीज़ है, हम इसे बहुत वेस्ट करते हैं, कभी किसी से यूजलेसली किसी के साथ मूवीज़ देखने में टाइम वेस्ट, बातें करने में जो जिन बातों का कोई सेंस नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, यूजलेस गॉसिप टॉक्स, या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल में टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं, या रेस्ट करने में, सोने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, कुछ भी चीज़ों में जब हम टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं हमें लगता है वी हैवंट लॉस्ट एनीथिंग, बट बिलीव मी व्हेन यू वेस्ट योर टाइम यू वेस्ट योर लाइफ। लाइफ इज़ मेड अप ऑफ ऑल द मोमेंट्स, मोमेंट बाय मोमेंट जो आपकी लाइफ बनती है, और आप मोमेंट बाय मोमेंट इस लाइफ को वेस्ट करते जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मेरे को लगता है मैं अपनी लाइफ में इसको बहुत अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम ना वेस्ट करूँ, बिकॉज अगर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो लाइफ वेस्ट कर दी। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट लर्निंग जो मैंने सीखी है वो है वर्क ऑन योर मेंटल फिटनेस प्लस फिजिकल फिटनेस।
अक्सर लोगों को लगता है मुझे फिजिकल फिटनेस पर काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी तो हेल्थ ठीक है, या मेरी तो फिजिक ठीक है, मैं तो बहुत पतला हूँ या पतली हूँ, या मैं तो मोटी नहीं हूँ, या मेरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो आई एम ओके. नहीं, हेल्थ की जो आपको देखभाल है वो बहुत पहले से ही करनी है, बिकॉज़ अगर आप अपनी हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखेंगे तो ये बॉडी आपको सपोर्ट करेगी, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे. और अगर हम हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं तो हेल्थ हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ भी है. मेंटल हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे, आप डिप्रेस्ड रहेंगे, आप लोनली फील करेंगे, या बहुत एग्रेसिव रहेंगे, या आपके थॉट्स बिल्कुल बैलेंस्ड में नहीं रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं हो पाएंगे. तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान रखने की. ये बात मुझे बहुत देर में समझ में आई. तो अगर आप ये बात जितनी जल्दी समझ लें कि आपने फिजिकल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देनी है, मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देनी है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी मस्ट लर्न इन अ लाइफ ASAP. सिक्स्थ लेसन जो मैंने सीखा है वो है कीप रीस्टार्टिंग. अक्सर क्या होगा, जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, हमें लगता है सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, अब हम ये छोड़ के कुछ और चीज़ें करने लग जाते हैं. यू नो व्हाट हैपेंस इज, पुराने टाइम में जब कुछ चीज़ें बंद हो जाती थी, मान लीजिए पुराना जो कंप्यूटर होता था बंद हो जाता था, सब कुछ हैंग हो जाता था, कुछ नहीं समझ में आता था, तो क्या करते थे, कंप्यूटर को रीस्टार्ट. जी हाँ, वो सबसे ईजी था हमारे लिए कि हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें. लाइफ में कभी भी कहीं पर भी किसी भी चीज़ में किसी भी जगह में सेट अगर प्रॉब्लम आ रही है, सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उस चीज़ को रीस्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, यानी कि शुरू से शुरू करने की कोशिश कीजिए. गो बैक टू योर बेसिक्स. जब आप बेसिक्स पे जाएंगे तो जहाँ जो गलती हो रही है आप उस गलती को इम्प्रूव कर पाएंगे. सो कीप रीस्टार्टिंग रादर देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. जहाँ पे भी स्टक हो रहे हैं उसको शुरू से शुरू करने की कोशिश कीजिए. ये बात भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट सीखी है. नेक्स्ट चीज, सेवेंथ थिंग. जी हाँ, सेवेंथ थिंग जो मुझे लगता है कि हमें ज़रूर ज़रूर जल्दी से जल्दी सीख लेनी चाहिए, वो है वैल्यू द पीपल हु वैल्यू यू. अक्सर जो लोग हमारी वैल्यू करते हैं, हम उनकी वैल्यू नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, उनकी तरफ हम उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, बिकॉज हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अच्छा ये तो पर्सन है ही. अगर हम उन लोगों की वैल्यू शुरू कर दें जो हमारी वैल्यू करते हैं, तो हम उम्र भर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम इकट्ठा कर देंगे जो हमारे बैड टाइम्स में, टफ टाइम्स में हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे. तो जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनको खुश रखिए, उनके लिए भी कुछ ऐसा कीजिए कि आप भी उनकी लाइफ में एक डिफरेंस मेक कर पाए, सो दैट जब आपको ज़रूरत हो किसी की तब वो इंसान आपके लिए खड़ा हो. सो वैल्यूइंग इम्पॉर्टेंट पीपल हु वैल्यू यू इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई लर्न स्लाइटली लेट इन लाइफ. मैं आपके लिए सात लेसन रिपीट कर देती हूँ. नंबर वन लेसन इज स्टे अमंग अचीवर्स. नंबर टू लेसन इज नेवर से नेवर. नंबर थ्री इज इनिशिएट कॉन्वर्जेशन. नंबर फोर इज वैल्यू टाइम. नंबर फाइव इज वर्क ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस. नंबर सिक्स इज कीप रीस्टार्टिंग. नंबर सेवन इज वैल्यू पीपल हु वैल्यू यू. आई होप ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी उन बातों को सोचने में जो आपको लगता है कि आपको जितनी जल्दी पता लग जाए उसका उतना आपके लिए अच्छा होगा. ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज डू सो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन whenever I upload my video next. Thank you so much for watching.